शांति, ओम शांति। आज की ज्ञान मुरली की तारीख है 2/4/11 और आज मीठे मीठे बाप दादा ने कौन सी बात बताई है। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों का खिवैया है, तो खिवैया ने कौन सी बात बताई होगी। जरूर विश्व की बेड़ी या विश्व का बेड़ा अर्थात जहाज जो कि डूब रहा है उसको सल्वेज करना, उसको बचाना। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं भारत को सल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो क्योंकि भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं। उत्तर है, अगर ज़रा भी कोई शौक है, हाँ बहुत प्रकार के शौक होते हैं हमको, तो अनासक्त वृत्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सारे दुनियावी शौक हमें मिटा देने हैं और उसके बदले में परिवर्तन कर हमें सारे संगम युग की सेवाओं के शौक, गुणों के शौक, शक्तियों को भरने के शौक, समय को सफल करने के शौक, बाप से समीप आने का शौक, बाप के हाथ साथ को और प्रेम को निभाने का शौक, ये सब शौक हमको करने चाहिए। तो अब हम आशा करते हैं कि दुनियावी लौकिक शौक को मिटाकर हम सब अलौकिक और बाप दादा से और सेवा से संबंधित सारे शौक अपने बनाएंगे। अच्छा, पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, हाँ कईयों को खान पान का भी बहुत शौक होता है, कईयों को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, कईयों को पहनना ओढ़ना उसका बहुत शौक होता है। तो हरेक के अपने अपने शौक हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि फिर उसमें भटकती है। तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं अर्थात रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वनवाह में रहो। हाँ, जैसे जंगल में चले जाते हैं ना, तो ऐसे वन, वन माना जंगल, तो जंगल में रहो, वनवाह में रहो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। नंबर 2 है धारणा के लिए, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए अवस्था और स्थिति कैसी रखनी है। बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहना है, यही पुरुषार्थ करना है। वरदान है मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा से इस सेवा के भाव का त्याग। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहते हैं सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन है आज का, व्यर्थ को समाप्त कर दो, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। नहीं तो फिर क्या होता है, सेवा न मिलने से, सेवा की ऑफर न आने से फिर अंदर में फीलिंग आती है, फीलिंग का फ्लू हो जाता है, तो फिर
अवस्था ऊपर नीचे हर्षित नहीं रह पाती है, तो बाबा उसकी युक्ति और दवाई बताते हैं कि व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।